हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अर्निंग क्लास में। दोस्त चलिए गाइस, बात करते हैं कौन सा ऐप है आपको किस कहां से इस ऐप को इंस्टॉल करना है, किस तरह से इसमें साइन अप करना है और किस तरह से अपने आपको गेम खेल करके अर्निंग करना है। सबसे पहले गाइस बता दूं कि ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिंपल सा लिंक पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद चलिए गाइस बात करते हैं इसमें साइन अप किस तरह से करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से इसमें गेम खेलना है और किस तरह से विड्रॉल करना है। तो गाइस इसे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऑन करते साइन अप करने के लिए कुछ तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए गाइस स्कैन वीडियोस का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखिए कुछ तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। थोड़ा सा लोडिंग होगा और इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो गाइस आपको देखिए गाइस ये वाला जो ऑप्शन आपको ऊपर में देख सकते हैं गाइस, ये वाला कोने में है गाइस, आपको कट का मार्क, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते हैं गाइस, जो नंबर दिए हुए हैं गाइस उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे ऐड करके प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस तरह से गाइस अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो गाइस यहाँ पे रिसेंड नाउ कर सकते हैं। ओटीपी को यहाँ पे ऐड करने के बाद प्रोसीड कर देना गाइस। प्रोसीड करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम ऐड कर देना है और यहाँ पे गाइस अपना ईमेल आईडी को भी एक ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखिए गाइस इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। थोड़ा सा लोडिंग होगा गाइस। यहाँ पे एक चीज आपको लिखा हुआ आएगा, इफ यू सी ब्लैक स्क्रीन इंस्टेड ऑफ कैमरा तो गाइस रिस्टार्ट देन। तो गाइस अगर आपके पास भी अगर कैमरा ऑन करते हैं यहाँ पे, तो गाइस बता दो कि यह इस ऐप के बारे में थोड़ा डिटेल बता दो। गाइस इसमें आपको स्कैन करना रहता है, कुछ यहाँ पे स्कैन करना रहेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्कैन करने के लिए आपको आपका यहाँ पे जो कैमरा गाइस दिया जाएगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करके ही स्कैन कर सकते हैं। क्या स्कैन करना है गाइस वो यहाँ पे मैं चलिए वीडियो में आगे में आपको स्कैन करके दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आपको स्कैन करना है और कितना रुपीज उसमें आप अर्न कर सकते हैं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए गाइस ऐप पे चलते बात करते हैं किस तरह से ऐप में आपको अर्निंग करना है। तो गाइस साइन अप करने के बाद जैसे ऐप में इंटर होते हैं देखिए इस तरह का यहाँ पे आपको देखिए गाइस यहाँ पे स्कैन एंड प्ले वीडियो का जो ऑप्शन है गाइस इस पर आपको क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, गाइस इतना ही करना है गाइस, इसमें और कुछ नहीं करना है। देखिए इसको जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह का थोड़ा सा लोडिंग होगा और इस तरह का देखिए गाइस आपका सामने जो गाइस यहाँ पे देखिए गाइस कैमरा ऑन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए गाइस यहाँ पे इस तरह का कैमरा ऑन हो जाएगा। और गाइस देखिए गाइस ये जो आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, दूसरा मोबाइल में जो गाइस दिखाई दे रहा है, आपको इसको स्कैन करना है। जी हाँ दोस्तों, इस फोटो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा गाइस, वहाँ से जाके इस फोटो को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। इसी इमेज को आपको यहाँ पे स्कैन करना है गाइस। अभी देखिए मेरा यहाँ पे 53 स्कैन हो गया गाइस। यहाँ पे मैं पूरा स्कैन कर लूँगा, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ गाइस। यहाँ पे टोटल 100 स्कैन आपको करना रहता है, जिसमें आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट हाइएस्ट लगेगा और यहाँ पे आप 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ स्कैन कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं पूरा स्कैन कर लेता हूँ। जब लास्ट का कुछ बचेगा तो मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरा टोटल 99 स्कैन मेरा देखिए स्कैन हो चुका है गाइस यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देखिए गाइस ये हो गया हमारा, देखिए गाइस यहाँ पे 100 स्कैन यहाँ पे कैसे मेरा कैमरा का जो है लाइट ऑफ हो गया है। देखिए 102 स्कैन मेरा हो गया है गाइस। यहाँ पे आपको बस इतना करना है। देखिए गाइस हमको मिल गया है स्क्रैच कार्ड, इसी का इंतजार था गाइस। यहाँ पे आपको 100 स्कैन करने के बदले आपको यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, वो आपका किस्मत के ऊपर निर्भर थी गाइस स्क्रैच कार्ड में आपको कितना मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए गाइस स्क्रैच कार्ड जो है ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं इस पर आपको सिंपल सा उस पर आपको क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा लोडिंग होगा, इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। देखिए गाइस ये स्क्रैच कार्ड हमको मिल चुका है, बस आप हमको इसको स्क्रैच करना है। देखिए गाइस अभी मेरे पास 0 बैलेंस है, तो चलिए मैं इसको स्क्रैच करके आपको दिखा देता हूँ कि हमको कितना मिलता है। तो गाइस इस तरह से इस ऐप से आप पैसे नहीं करना है गाइस, इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे देखिए गाइस इसको मैं स्क्रैच कर लेता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे बस सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए गाइस यहाँ पे हमको कांग्रेचुलेशंस, हमको यहाँ पे मिल गया है 3 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट अर्न किया हूँ, यहाँ पे स्कैन किया हूँ, हमको मिल गया 3 रुपीज़। तो गाइस यहाँ पे आपको देखिए गाइस इंटरव्यू पेटीएम नंबर एंड विड्रॉ। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा इसमें आपको पेटीएम नंबर ऐड कर देना होगा गाइस। चलिए मैं यहाँ पे पेटीएम नंबर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद गाइस यहाँ पे विड्रॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है। देखिए गाइस यहाँ पे मैं पहले पेटीएम नंबर ऐड कर लेता हूँ और विड्रॉल कर लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है काम है गाइस आपके पास। यहाँ पे गाइस कोई भी मोबाइल में आपको छोटा सा इमेज रखना है गाइस, उसको स्कैन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आप छोटा मोबाइल अगर यूज करता है, एक छोटा एक बड़ा है, तो उसमें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बड़ा मोबाइल में आपको ऐप रखना है और छोटा मोबाइल में गाइस उस फोटो को रखना है और आसानी से उसको जो है यहाँ पे स्कैन करके अर्निंग कर सकते। देखिए गाइस यहाँ पे हमको 3 रुपीज़ रिसीव हो गया और यहाँ पे मैं विड्रॉल सिंपल सा पेटीएम नंबर ऐड करके कर ले रहा हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे लिखा गया है प्रोसेसिंग, यानी कि गाइस यहाँ पे कुछ मिनट में हमको या 10 मिनट या 15 मिनट में हमको ये रिसीव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए अभी मेरा कल के लिए देखिए 94 स्कैन मेरा बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 6 स्कैन मैं ज़्यादा कर लिया था। तो गाइस इस तरह से आप सब पैसे अर्निंग कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको स्कैन करना है और यहाँ पे उसके बाद आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है, बस आपको यहाँ पे इस तरह से आपसे पैसे अर्निंग कर सकते हैं।
तो गाइस चलिए सीधा पेटीएम, यहाँ से मैं आपको पेटीएम में ले चलता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमको जो है मेरा पेमेंट जो है रिसीव हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं पेटीएम में आए और यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे गाइस नीचे थोड़ा आइएगा, देख सकते गाइस यहाँ पे हमको देखिए गाइस 3 रुपीज यहाँ पे आप जो ऐप मैं यूज करता हूँ उसी से हमको मिला है। आप देख सकते गाइस होमी गोस गोस इस ऐप का नाम है, होमी गोस, इसी से हमको देखिए गाइस 3 रुपीज जो मैं विड्रॉल किया था गाइस यहाँ पे इंस्टेंट ही मिल जाता है। मतलब यहाँ पे गाइस आपको कम से कम जो है 10 मिनट या 12 मिनट या इसी के आसपास में आपको वेट करना होगा, इतना देर में आपको जो है यहाँ से पेमेंट मिल जाता है। तो गाइस ऐप बहुत ही जेन्युइन है और कमाल का है। थोड़ा यहाँ पे आपको स्कैनिंग का काम करना रहता है, तो आप चाहे तो करके भी अर्निंग कर सकते हैं। मिनिमम आपको 3 रुपीज़ मिला है गाइस, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ भी एक बार में स्क्रैच कार्ड के तौर पर मिल सकता है। तो गाइस ये आपके लक के ऊपर निर्भर। तो गाइस इस तरह से आपसे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो।